दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो 45,000 रुपीस की प्राइस रेंज में आते हैं। इन लैपटॉप्स में आप सभी बेसिक टास्क और थोड़े बहुत मॉडरेट टास्क जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, फोटो एंड वीडियो एडिटिंग और डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। वैसे ये सभी आपको 40,000 से लेकर 46,000 के आसपास देखने मिल जाते हैं, जिन्हें आप कार्ड ऑफर के साथ और भी कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं। वैसे इस प्राइस में बहुत सारे लैपटॉप्स डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। ज्यादातर लैपटॉप्स में आपको प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर मिलते हैं, लेकिन इस लिस्ट में जो भी लैपटॉप्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनमें आपको लेटेस्ट जनरेशन इंटेल और राइजन सीरीज के प्रोसेसर मिलते हैं और साथ ही हाई परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएंगे। अगर आप भी इस प्राइस में कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और अपने रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर पाओगे। साथ ही देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है नोकिया प्योरबुक S14। दोस्तों इस लिस्ट का सबसे सस्ता और नोकिया की तरफ से आने वाला सबसे कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। वैसे इस लिस्ट का यही लैपटॉप है जो आपको 40,000 रुपीस के अंदर मिल जाएगा, जिसमें 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है, साथ ही परफॉर्मेंस भी डिसेंट लेवल की मिल जाएगी। यह था 14 इंचेस की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, 220 nits की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल i5-1135G7 4-core 8-threads वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.4GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4.2GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और इंटेल i3 6C के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। साथ ही 32MHz 16GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, स्टोरेज को आप 2TB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस, मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 57 वाट आवर्स फोर्स से लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 4-8 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फिलहाल इसकी प्राइस 40,000 रुपीस के आसपास देखने मिल रही है, जो इस प्राइस में एक बेस्ट डील है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल लैपटॉप 16GB रैम के साथ चाहते हैं तो डेफिनेटली इस प्राइस में एक बेस्ट लैपटॉप है। इसके अलावा डिस्प्ले और बैटरी भी इसमें आपको बेटर मिल जाएगी, तो इस प्राइस में मेरी तरफ से आपको रेकमेंडेड रहेगा। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Redmi Book Pro। दोस्तों ये भी इस लिस्ट के सबसे सस्ते लैपटॉप्स में से एक है, साथ ही पावरफुल प्रोसेसर और बेस्ट बिल्ड क्वालिटी भी इसमें आपको मिल जाएगी। इसे इस लिस्ट में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह इसका प्रोसेसर। अगर आपका बजट 45,000 रुपीस के आसपास है और एक पावरफुल लैपटॉप इस प्राइस में चाहते हैं तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। या तो 15.6 इंचेस की फुल HD TFT LCD डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें इंटेल i3-11300H सीरीज का 4-core 8-threads वाला प्रोसेसर, जिसमें 3GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4.4GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेल i3 6C के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा 32,000MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, इसमें आप रैम और स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस के लाइसेंस वर्जन, स्टीरियो स्पीकर्स विद DTS सराउंड साउंड, मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, SD कार्ड रीडर, एक USB 2.0 पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट दिए गए हैं। वैसे इसमें 46 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें लगभग 5-6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। फिलहाल इसकी प्राइस 43,000 से लेकर 45,000 रुपीस के बीच देखने मिल रही है, जो ऑफर के साथ और भी कम प्राइस में परचेस कर सकते हैं। नॉर्मली इंटेल i3-11300H गेमिंग लैपटॉप्स में यूज होता है, जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर आप एक स्टाइलिश और पावरफुल प्रोसेसर वाला लैपटॉप प्रोडक्टिविटी काम जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, फोटो एंड वीडियो एडिटिंग के लिए चाहते हैं तो इस प्राइस में ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। वैसे इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है डेल इंस्पिरियन 3520। दोस्तों इंटेल के लेटेस्ट 12 जनरेशन सीरीज के प्रोसेसर के साथ आने वाला लैपटॉप है। इसके अलावा इसमें आपको 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी मिल जाएगी, जो इस प्राइस के बाकी लैपटॉप्स में देखने नहीं मिलती। इसमें आपको लगभग इंटेल i5-1135G7 से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। यह था 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें इंटेल i3-1250U 6-core 8-threads वाला प्रोसेसर, जिसमें 0.9GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 3.3GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और इंटेल अल्ट्रा HD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, RAM को आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, साथ ही स्टोरेज को भी 2TB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस 2021 के लाइसेंस वर्जन, मल्टी जेस्चर टचपैड, HD वेबकैम जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे।
कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई पोर्ट, दो यूएसबी 3.2 पोर्ट्स और एक यूएसबी 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसमें 41 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 4 टू 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फिलहाल ये आपको 45,000 रुपीज के करीब मिल रहा है, जो ऑफर्स वगैरह में आपको और भी कम प्राइस में मिल सकता है। इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट मिलेगी, साथ ही फास्ट रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और परफॉर्मेंस भी बेटर लेवल की मिलती है, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट लैपटॉप हो सकता है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है HP 15S। वैसे नंबर 2 और नंबर 1 के दोनों ही लैपटॉप्स में आपको सेम ही प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही यही सीरीज के सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। ये एक स्टाइलिश लैपटॉप है जिसमें आपको इंटीग्रेटेड एलेक्सा का फीचर मिलता है। यह था 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें AMD Ryzen 5 5500U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.1 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और AMD Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इतने कैपेबल है कि इसमें आप GTA 5 जैसे AAA टाइटल गेम्स 1080p नॉर्मल सेटिंग्स पर 40fps के साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, RAM को आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं और स्टोरेज को भी 2TB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, इंटीग्रेटेड एलेक्सा, HD वेबकैम और मल्टीजेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, SD कार्ड रीडर, दो USB 3.2 पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 41 वाट आवर 3 से लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें 4 टू 5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल सकता है। वैसे इसकी प्राइस 47,000 रुपीज के करीब देखने मिल रही है, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 45,000 रुपीज के अंदर मिल सकता है। दोस्तों, लिनोवो आइडियापैड 3 भी सेमी प्रोसेसर और प्राइसिंग के साथ आता है। उसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है, बाकी सभी फीचर्स आपको दोनों में सेम ही मिलते हैं। वैसे इन दोनों की बिलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है Honor MagicBook 14। दोस्तों, इस सीरीज के सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले और सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा। उसी के साथ बैकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, मेटल बिल्ड क्वालिटी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। यह 14 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एलसीडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें Ryzen 5 5500U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.1 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और AMD Vega 7 की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। दोस्तों, इसमें भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और डिसेंट लेवल की गेमिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, इसमें भी आप RAM और स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, HD पॉपअप कैमरा, बैकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, मल्टीजेस्चर टचपैड और डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 56 वाट आवर्स की बैटरी 65 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 8 टू 10 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगी। यह था 45,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको और भी कम प्राइस में मिल सकता है। प्राइस के हिसाब से फीचर्स आपको इसमें तगड़े मिलते हैं, तो डेफिनेटली इस प्राइस में एक बेस्ट डील है, जिसे आप बिना किसी इशू के परचेस कर सकते हैं। वैसे इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। वैसे इन सभी के प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, तो कोशिश करना इन्हें कार्ड ऑफर के साथ परचेस करने की, तब आपको इन पर और भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो 45,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।